हेलो एवरीवन, दिस इज मनमोहन तिवारी एंड वो चैनल फिनांसर पंडित। एक नए वीडियो के साथ मैं फिरा हर एक दिन म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। वाकई में आप चाहते हो वीडियो का अपडेशन सबसे पहले मिले, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, लाइक और शेयर करना ना भूलो। आज वीडियो में क्या स्पेशल है, मैं सबसे पहले बता दूं, जो मैं आज कंटेंट वीडियो में लेके आया हूं वो वैसे इन्वेस्टर के लिए है जो रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। आज मैं आपके सामने दो ऐसे स्टॉक रखूंगा जिसमें फ्यूचर में काफी ज्यादा ग्रोथ मिलने का संभावना है। इट मीन्स कि फ्यूचर में काफी ज्यादा ऐसे स्टॉक से रिटर्न मिल सकता है। कौन कौन से पैरामीटर्स पे मैं ये दो स्टॉक को आपके सामने रख रहा हूं, मैं सबसे पहले बता दूं, अगर इंटेंसिक वैल्यू की बात करें तो इन दोनों स्टॉक का प्राइस इंटेंसिक वैल्यू से काफी कम देखने को मिल रहा है। दूसरा पॉइंट मैं अगर आपके सामने रखूं, अगर 5 साल और 3 साल का CAGR देखूं तो काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न यहां पे देखने को मिल रहा है। यही नहीं, अगर प्रॉफिट की बात करूं, रेवेन्यू की बात करूं, तो ये सारे डाटा काफी स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहे हैं। और हम वीडियो के लास्ट में ये भी बात करेंगे कि कैसे स्ट्रैटेजी के साथ अगर हम जाएं तो और रिस्क को हम यहां पे मिनिमाइज कर लेंगे। देखो, मैं जो आपके सामने दो स्टॉक रखने वाला हूं, मैं पहले ही बता देता हूं, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो ये आपके लिए है, अगर रिस्क नहीं ले सकते तो प्लीज आप ऐसे स्टॉक में पार्टिसिपेट ना करें। ये दोनों स्टॉक स्मॉल कैप कैटेगरी से, इट मीन्स स्मॉल कैप से है, लार्ज कैप और मिड कैप से नहीं है। इस पॉइंट को थोड़ा समझे, स्मॉल कैप में रिस्क का फैक्टर काफी ज्यादा होता है। चलिए वन बाय वन आपके सामने स्टॉक रखता हूं, लेकिन उसके पहले अगर आपको कुछ ज्यादा कंफ्यूजन है कि कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए सही है कि नहीं, मेरा पोर्टफोलियो सही है कि नहीं, रिटायरमेंट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फिनेंशियल प्लानिंग को लेके कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे वहां से व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब कौन सा स्टॉक्स है, मैं सबसे पहले एक IT सेक्टर का स्टॉक लूंगा। IT सेक्टर का स्टॉक जो है वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर। जी हाँ, ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी से है और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से है। कुल मिला की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस स्टॉक्स में पिछले 5 साल का जो रिटर्न है वो 309% के ऊपर का रिटर्न है। यही नहीं, अगर इस स्टॉक का हम 5 साल का SIP रिटर्न देखें तो 164% का SIP रिटर्न है। आप ये सोच रहे हो कि मैं SIP रिटर्न क्यों बता रहा हूँ, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप रिस्क को मिनिमाइज कर लोगे। अगर इस स्टॉक के प्राइस की बात करें तो अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो 806 रुपये के करीब में चल रहा है। और कुछ अगर डीपली रिसर्च करें तो आप देख सकते हो, अगर इंटेंसिक वैल्यू की बात करें तो इस स्टॉक का प्राइस अभी इंटेंसिक वैल्यू से कम चल रहा है। वहीं पर अगर हम ये देखें कि क्या ये स्टॉक FD को बीट कर रहा है कि नहीं, तो अपने ड्यूरेशन में इस स्टॉक ने हमेशा FD के रिटर्न को बीट किया है। डिविडेंड रिटर्न्स, इट मींस कि ये स्टॉक डिविडेंड भी देता है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो बहुत ऐसे एनालिस्ट हैं जो इस स्टॉक को एडवाइस कर रहे हैं ये सही समय है इस स्टॉक में एंटर करने के लिए। यही नहीं, अगर मैं और ज़्यादा डीपली रिसर्च करूं, जैसे कि अगर मैं डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी की बात करूं, क्वालिटी चेक्स की बात करूं, या फिर ग्रोथ स्कोर की बात करूं, तो यहां पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। कुल मिला के अगर इस स्टॉक का हम ये देखें कि यहाँ पे एनालिस्ट का क्या स्कोर है, तो 100% एनालिस्ट यहाँ पे इस स्टॉक को इन्वेस्टर को एडवाइस कर रहे हैं। यही नहीं, अगर स्टॉक के प्राइस पे थोड़ा सा हम रिसर्च करें तो यहाँ पे चांसेस बनता है, 31% यहाँ पे चांसेस बनता है कि ये स्टॉक 1000 रुपये के करीब को टच करे। यहीं पे अगर देखें तो 26 से 27% चांस देखने को मिलता है कि यहाँ पे 1020 रुपये के करीब में टच करें, और यहाँ पे जैसे लो का प्राइस जो देखने को मिल रहा है 982 का। कुल मिला के अभी ये स्टॉक इंटेंसिक वैल्यू से काफ़ी कम है और यहाँ से एक बाइंग प्राइस देखने को मिल रहा है। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर की बात करें, IT सेक्टर का ये स्टॉक हर जगह भी फिट बैठ रहा है। चाहे आप रेवेन्यू की बात कर लो, चाहे आप ग्रोथ की बात कर लो, चाहे आप CAGR की बात कर लो 5 साल के, SIP की 5 साल की बात कर लो, या फिर फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च करें, तो वाकई में इस स्टॉक्स में एक बाइंग डिसीजन बनता है। चलिए दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, वो दूसरा स्टॉक कौन सा है। मैं पहले भी बता देता हूँ इन्वेस्टर को, जो इन्वेस्टर रिस्क नहीं ले सकते हैं वो इस स्टॉक में पार्टिसिपेट ना करें। बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप से दूरी बना के रखते हैं।
मैंने वैसे इन्वेस्टर को एग्जैक्टली इस स्टॉक से बाहर निकलने का एडवाइस किया, लेकिन जो रिस्क ले सकते हैं वो इस स्टॉक को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे स्टॉक की बात करूँ, चंबल फर्टिलाइजर की बात करूँगा। कुल मिला के जो ये स्टॉक है ये भी स्मॉल कैप से है और रिस्क काफ़ी ज़्यादा है ऐसे स्टॉक्स में। पिछले 5 साल का अगर हम रिटर्न देखें तो इस स्टॉक का रिटर्न ऑलमोस्ट 408% के करीब में है, और वहीं पर अगर सिर्फ SIP रिटर्न की बात करें पिछले 5 साल में तो 137% का रिटर्न देखने को मिला है। तो यहाँ पे आपने रिटर्न देख लिया। अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे बेसिक डिटेल देखूँ तो इस स्टॉक का अगर इंटेंसिक वैल्यू देखूँ तो प्राइस काफ़ी कम चल रहा है इंटेंसिक वैल्यू से। दूसरे पॉइंट की बात करूँ, क्या ये स्टॉक FD के रिटर्न को बीट कर रहा है, तो जी हाँ ये FD के रिटर्न को भी बीट कर रहा है। तीसरे पॉइंट को देखूँ तो डिविडेंड रिटर्न्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, स्टॉक्स टाइम टू टाइम डिविडेंड भी इन्वेस्टर को यहाँ पे देती है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो एनालिस्ट द्वारा ये बताया गया है कि एग्जैक्टली ये सही पॉइंट है, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। और डीपली जाएं तो अगर 3 पॉइंट को कंसिडर करें, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक एंड ग्रोथ स्कोर, तो इस 3 पॉइंट में कुछ भी नेगेटिव देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। यही नहीं, अगर एनालिस्ट की बात करें 66% का स्कोर देखने को मिल रहा है। कुल मिला के अगर हाई, मीडियम और लो का यहाँ प्राइस देखें तो यहाँ पे 516 रुपये का यहाँ पे हाई प्राइस देखने को मिल रहा है। मीडियम की बात करें तो यहाँ पे 469 और लो की बात करें तो 445। जो करेंट प्राइस यहाँ पे है वो 407 रुपये के करीब में है। तो यहाँ पे आपने पूरा डाटा देखा, चाहे आप 5 साल का रिटर्न देखें या फिर SIP रिटर्न देखें या फिर अगर आप बेसिक पॉइंट्स देखें, क्या ये स्टॉक लगातार इन्वेस्टर को मुनाफा दे रहा है कि नहीं। तो ये 2 स्टॉक थे जिस पे आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न ले सकते हो, लेकिन 1 से 2 पॉइंट को आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में इसमें मुनाफा नहीं देखने को मिले, क्योंकि देखो मैं हमेशा इन्वेस्टर को बोलता हूँ कि अगर आप डायरेक्टली स्टॉक में एंटर कर रहे हो तो कुछ सावधानी आपको बरतना पड़ेगा। फर्स्ट कि आपको लंबे समय के लिए जाना है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपको यहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है। दूसरी बात, आप पूरा यहाँ पे फंड अपना इन्वेस्ट ना कर दे, इट मीन्स कि अगर आपके बजट 2 लाख का है, 3 लाख का है, तो पूरा पैसा इन 2 स्टॉक में ही इन्वेस्ट ना कर दे। आप थोड़ा सा सिक्योर होके चले, आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके चले, ये आपके लिए सही होगा। तीसरे पॉइंट की बात करूँ, देखो मैं इन्वेस्टर को हमेशा बार बार बोलता हूँ कि अगर किसी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो और भी ज़्यादा रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हो तो SIP के साथ चलो। एग्जैक्टली हर महीने एक एक स्टॉक का SIP कर सकते हो, इन 2 स्टॉक्स में हर महीने एक एक स्टॉक का SIP कर सकते हो। बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मेरे से पूछ रहे थे, सर कोई 1000 के अंदर कोई ऐसा स्टॉक बताओ स्मॉल कैप का जो आने वाले टाइम में हमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा दे दे। और ये जो 2 स्टॉक मैंने बताए हैं, इस स्टॉक का पिछले 5 साल का CAGR काफ़ी स्ट्रांग है, हर साल यहाँ पे 25% के ऊपर का रिटर्न देखने को मिला है। तो ये था आज का वीडियो से रिलेटेड। अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी हो, भेजिए कमेंट बॉक्स में, क्वेरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो अभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।